डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो, और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 तक एंड नीट, जी मेन, एडवांस के लेवल तक। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में भी हम प्लांट किंगडम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, द एंथ्रोजोइट्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। फ्यूनेरिया के एंथ्रोजोइट्स होते हैं मल्टी सीलिएटेड, मोनो सीलिएटेड, ए सीलिएटेड या फिर बाई सीलिएटेड। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, बाई सीलिएटेड। फ्यूनेरिया के एंथ्रोजोइट्स बाई सीलिएटेड होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट हैविंग वैस्कुलर टिश्यू लैकिंग सेट। यानी कि इनमें से ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू तो पाया जाता है लेकिन सीड्स नहीं पाए जाते। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी या फिर ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स को सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स भी कहते हैं और वैस्कुलर टिश्यू की शुरुआत टेरिडोफाइट से ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इन्हें सीडलेस वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दे आर थैलॉयड, दे पोसेस आर्किगोनिया, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा डी, क्योंकि इसमें ये तीनों ही करेक्टर पाया जाता है। एंड इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में मोटाइल स्पर्म्स पाया जाता है, इसलिए इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन लीवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स, फर्न या फ्यूनेरिया। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, लीवरवर्ट्स। ये लीवरवर्ट्स का करैक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें कि रिसिया, मार्केंसिया एंड पीलिया, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आपको यहाँ पे लीवरवर्ट के अलावा ये ऑप्शन भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। इनमें से साइकस के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है। इट हैज़ सर्सिनेट वर्नेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज ऑफ जाइलम वेसल्स, इट्स रूट कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी, इट डज नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज फीमेल फ्लावर। तो देखिए यहाँ पे इसका बी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वेसल्स आर अब्सेंट। जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि साइकस एक जिम्नोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, इनमें केवल ट्रेकियार्ड्स पाया जाता है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। लार्जेस्ट स्पर्म्स इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड। प्लांट में सबसे बड़े स्पर्म्स किसके माने जाते हैं, बनियान, साइकस, थूजा या फिर पाइनस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, साइकस। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। वॉकिंग फर्न का नाम वॉकिंग फर्न क्यों पड़ा। इट प्रोपोगेट्स वेजिटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, इट नोज हाउ टू वॉक बाय इट्स सेल्फ, इट्स स्पोर आर एबल टू वॉक या फिर इट इज डिस्पर्स्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉकिंग एनिमल्स। तो देखिए वॉकिंग फर्न का नाम वॉकिंग फर्न इसलिए पड़ा क्योंकि यदि इसकी लीफ को हम सोयल में रख दें तो वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, इट प्रोपोगेट्स वेजिटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किसकी लीव्स में पाया जाता है, पाइनस, डाप्टेरिस, साइकस या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा पाइनस एंड साइकस, यानी कि बोथ ए एंड सी, इन दोनों में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय प्लांट पोसेसिंग। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट ऐसे प्लांट में पाई जाती है जिनमें पाया जाता है पीटियोल, लिग्यूल, ब्रैक्ट या स्पेथ। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी, लिग्यूल। तो देखिए ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस।
लेकिन कुछ टाइडोफाइट जैसे कि सेलेजिनिला में इनकी लीव्स में एक आउटर ग्रोथ पाई जाती है जिसे कि लिग्योल कहता है। एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीनस, यानी कि कौन से एल्गा में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, क्लोरेला, नोस्टॉक, स्पायरोगायरा या फिर यूरोथ्रिक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरेला, और इसे स्पेस फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसे स्पेस में फूड के रूप में यूज़ किया जाता है। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेट फ्रॉम एल्गा बिकॉज दे, ब्रायोफाइट्स को एल्गा से अलग रखा गया है क्योंकि इनके पास पोजस आर्चिगोनिया कंटेन क्लोरोप्लास्ट आर थैलाइड फॉर्म्स हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, पोजस आर्चिगोनिया। तो देखिए इन दोनों के पास ही मोटाइल स्पर्म्स पा जाता है और इन दोनों को ही वाटर की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट सबसे पहले ब्रायोफाइट में ही हुआ था, इसलिए यहाँ पे इसका ए ऑप्शन सही है। मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड्स एंड लीफी गैमेटोफाइट द करेक्टरिस्टिक ऑफ, सम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अल्ब्रायोफाइट या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, सम ब्रायोफाइट्स, जैसे कि स्पेग्नम, स्पेग्नम, फ्यूनेरिया, रिसिया। ब्राउन एल्गी इज करैक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन, हिमेटोक्रोम, फाइकोसाइनिन या फिर फाइकोइरिथ्रिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, फ्यूकोजैंथिन, जो कि एक ब्राउन पिगमेंट है और ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर देता है। द स्मॉलेस्ट प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म हैज हाउ मैनी स्पीसीज, सबसे छोटी प्लांट फैमिली जिम्नोस्पर्म में कितनी स्पीसीज हैं, 640, 300, 1000 या फिर 900। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा डी, नियर अबाउट 900, क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीसीज लुप्त हो चुकी हैं। और आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट किंगडम इज कॉल्ड एम्फीबियंस, इनमें से कौन से प्लांट किंगडम को एम्फीबियंस कहते हैं, टाइडोफाइटा, थैलोफाइटा, ट्रेकियोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे हमने प्लांट किंगडम के मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया और एक या दो वीडियो के बाद हम इससे अगले चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और इसी तरह से हम पूरी बायोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे।